अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मास्टर फ़हीम और ये है आपकी 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की डेमो क्लास। आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये एक शोरील है 3D प्रोडक्ट एनिमेशन का। ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर ने कंप्लीट किए हैं और उनको एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाई गई है। जब तक हम बातचीत करेंगे, कोई आपको चीज़ें बताएंगे समझाएंगे, उस वक्त तक ये कुछ देर स्क्रीन पर रहेगा। उसके बाद हम आपको जो चीज़ें दिखाने वाली हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर करके जो स्टैट्स दिखाने वाले हैं, जो इंस्ट्रक्टर की गिग्स हैं, जो अर्निंग्स हैं, जिस तरीका कार से काम होता है, वो सारी चीज़ें फिर हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। उससे पहले चंद बातें हैं वो आपसे करूंगा, उसके बाद हम उमर को हैंड ओवर करेंगे। दो तीन चीजें सिर्फ मैं आपसे क्लियर करनी है। पहली ये चीज है कि हमारे हाथ में जो होता है या एक स्किल को चूज करने के हवाले से जो चीजें होती हैं हमारे हाथ में, वो चंद एक चीजें होती है। नंबर एक चीज कि स्किल ऐसी चूज की जाए कि अगर मेहनत ही करनी है तो कोई हाई पेड स्किल हो, बजाय इसके कि हम $5 की कोई सर्विस दें और महीने में हमें जो है कोई 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर करने पड़े ढूंढ ढूंढ के पूरे, और उसके बाद में भी हमारे हाथ में कुछ ना आए, ठीक है। और हम कोई ऐसी स्किल ढूंढे कि अगर महीने में हमारा एक ऑर्डर भी लग जाता है तो हमारा अच्छा खासा उसमें बजट बन जाता है। जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं अगर आपको बताऊं तो हमने लास्ट पे कुछ ऑर्डर आपको दिखाए थे, मैंने लाइव में भी दिखाए थे, कि कोई 1800 का, कोई $2500 का, कोई $4000 का, कोई $4500 का, यानी कि इकट्ठे आप एवरेज में अगर देखें तो 2 लाख से लेके 10 लाख तक के ऑर्डर होते हैं जो कि एक स्किल में आ रहे होते हैं पाकिस्तानी रुपीज में, ठीक है। तो हमने स्किल वो चूज की जो कि हाईएस्ट पेड स्किल है, एक चीज में ये थी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है कि अगर कोई स्किल हाई पेड है, हाईएस्ट पेड अगर स्किल है कोई, तो उसमें कंपटीशन का लेवल क्या है। ये ना हो कि उसमें कंपटीशन इतना हो कि हम वहां पर कहीं पर इजराइल ना कर पाए, हम कहीं पर शायरी ना कर पाए। तो ये वो स्किल है कि जो एक नैनो नीश है, यानी कि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। अभी आगे मैं अभी हैंड ओवर करूंगा आपके इंस्ट्रक्टर को, तो वो आपको इसकी प्रॉपर गिग्स ओपन करके दिखाएंगे। मेरे ख्याल में कोई 3500-4000 टोटल गिग्स हैं इसकी, जबकि उसके कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं वेब डिजाइनिंग को देखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग को देखते हैं, तो वहां पर 70-70 हजार गिग्स होती हैं, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है इस फील्ड में, ठीक है। तो हमारे हाथ में जो चीजें हैं वो उनमें क्या आ जाता है, हाईएस्ट पेड स्किल हो और कंपटीशन भी ना हो, अच्छे पैसे वाली स्किल हो और कंपटीशन भी ना हो, ताकि हमें ऑर्डर मिल सके उसमें से आसानी से, ठीक है। ये दो चीजें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये आ जाता है कि हमारे हमें सिखाने वाला कोई ऐसा बंदा हो कि जो एक खुद से इस चीज में अचीव कर चुका हो, जिसने खुद से उस चीज से कमाया हुआ हो। तो उस चीज के लिए आपके इंस्ट्रक्टर उमर कैसर, ये वो इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने इससे आपको लाइव इसमें गिग्स भी दिखाई जाएंगी कि $1,05,000 से ऊपर की अर्निंग करनी थी। $1,05,000 का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए, और थ्रू ऑटो भी उनकी जर्नी चल रही है। लास्ट मंथ मेरे ख्याल में उनका वो एक स्क्रीनशॉट मुझे आया हुआ था $1,800 का। इवन के ये वो गिग है फाइबर के ऊपर, जब हम काम करते हैं तो वहां पर हमें ऑर्डर आ रहे होते हैं। कितनी फाइबर के ऊपर नॉर्मल ऑर्डर कितने का होता है, 5 ऑर्डर से लेके $100 तक का नॉर्मल जो ऑर्डर चल रहे होते हैं रैंडमली, ठीक है। लास्ट में मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था उमर ने, इनको एक ऑर्डर आया था जिसमें एक ऑर्डर की पेमेंट अलग और सिर्फ $100 की जो टिप है वो अलग से दी गई थी। यानी कि ये वो स्किल है जिसमें जितना पूरा बजट होता है ना दूसरे प्रोजेक्ट्स का, उतनी इसमें टिप मिल जाती है कई बार। तो वो स्क्रीनशॉट भी आपसे इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा, मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगा। सिर्फ मैंने चंद चीजें आपको बतानी है जिससे आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल पे चीजें खड़ी हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्टर जो है वो इस लेवल पे माशाल्लाह जाके बैठे हुए हैं कि अब इनको पता है कि गौरों से कम्युनिकेट कैसे करना है, क्योंकि 150 से ऊपर ये जो है वो क्लाइंट्स के साथ ये निगोशिएट कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, कम्युनिकेट कर चुके हैं, उनके प्रोजेक्ट को हैंडल कर चुके हैं, और इसके अलावा 3 करोड़ के करीब कमा चुके हैं, $1,00,000 के ऊपर उनकी जेबों से निकलवा चुके हैं। तो किस लेवल का काम करना है और किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से हमने चीजों के साथ डिस्कस करनी है, बात करनी है, सपोर्ट आपको मैसर हो। सपोर्ट में यह है कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाली है, लाइफ टाइम सपोर्ट। इस कोर्स को मुकम्मल होने के बाद टेक्नोमैक्स एनिमेटर के नाम से हमारा एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप तरतीब दे दिया जाएगा, बन जाएगा, वहां पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट हासिल होगी। ये नहीं है कि आज एक या दो आपको कोई ऑर्डर मिल जाता है, इवन कि वो ऑर्डर भी आपसे हैंडल नहीं हो रहा, कोई क्लाइंट आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। भी आप उमर इसको आपने अपनी चीजें को दिखा दें सारी अच्छे तरीके से स्क्रीन शेयर करके, उसके बाद फिर मुझे हैंड ओवर कीजिएगा। मैं इसमें एंड पे कुछ चीजें मेरे दिन में चल रही है मैं इनको बता दूंगा, ठीक है। जी जरूर सर, जरूर सर। हैंड ओवर टू यू। जी ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ। जी आपको नजर आ रहे गिग्स वगैरह, प्लीज मुझे चैट में बता दें। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है, प्लीज कंफर्म कर दें मुझे। जी ठीक है।
जी बिस्मिल्लाह, आज मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँगा 3D प्रोडक्ट एनिमेशन के कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी फिलहाल हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफाइल है फाइवर पे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करेगा हमारा कोर्स, या कोई भी मतलब देखना चाहता है, तो आप जब फाइवर पे जाके ये टैगलाइन सर्च करनी है, अली कैसर 159। आप ये जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हमने हमारी जो बेसिक स्टार्टिंग प्राइसेज हैं गिग्स की, वो आपके सामने शो हो रही होंगी। ठीक है, तो मैं आपको अपनी बेस्ट सेलिंग गिग दिखाता हूँ, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट राउंड अबाउट आप कह लें कि मोस्टली 140 ऑर्डर्स इसी गिग में है। ठीक है, तो मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो स्टार्ट ये किस तरह से हुआ। मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। आप समझ सकते हैं आर्किटेक्चर किस तरफ और 3D प्रोडक्ट एनिमेशन किस तरफ। ठीक है, तो ये क्यों मैंने ज्वाइन की, ये फील्ड ऐसे है कि आपको याद होगा कोरोना के दौर में ही ये जो आप कह लें ई कॉमर्स और इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा अरूज पे आ गई थी। ठीक है, तो उस दौर में हर बंदा घर में बैठ गया था, उनके बिजनेस ठप हुए थे, लोगों ने फिर अपनी वेबसाइट्स बनवाई और ऑनलाइन ई कॉमर्स का काम शुरू किया। तो मैंने भी जो मेरे पास स्किल थी ना, मैंने देखा कि मुझसे रिलेटेड कौन सी चीज आती है। आर्किटेक्चर ऐसी चीज है जिसमें 3D यूज होती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन यूज होती है। तो मैंने सोचा क्या मैं ये अपनी सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे उसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी। ठीक है, किस सेंस में स्ट्रगल, स्ट्रगल इस सेंस में कि हमारे पाकिस्तान में जो आर्किटेक्चर, ये जो नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, उनका उस तरह से स्टैंडर्ड नहीं है जिस तरह यूके में काम होता है। ठीक है, तो मेरे भाई जो हैं अली कैसर, वो ऑलरेडी इस चीज का बहुत उन्हें क्रेज था कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होती है। उनकी डिग्री भी इसी फील्ड में ही है। मैं उनको देखता रहता था ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उन्हीं से ही ये चीज ना इंस्पायर होके स्टार्ट की, मतलब इतनी स्टार्ट की कि फिर अली कैसर जो है उन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लें हमारे ओवरऑल 168 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें से 120 मैंने खुद पर्सनली किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था बात में। ठीक है, तो देखें आपको मैं एक तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब उनको अभी माइट बी पॉसिबल पता भी ना हो कि ये फील्ड क्या होती है 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा ताकि आपका माइंड और विजन थोड़ा सा ब्रॉड हो और आप समझ सकें कि ये 3D प्रोडक्ट एनिमेशन क्या चीज होती है। ठीक है, आपको मैं अपनी एक डेमो शो रील दिखाऊंगा जो प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में जब मैं बात कर रहा था तो शुरू के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है उसी शोरूम की बात हो रही है, वो मुलाहजा फरमा लें। लाइव क्लास में ये जो हिस्सा था ये जूम उस पर जूम पे होने की वजह से थोड़ा सा अटक रहा था, तो इस वजह से इसको रिकॉर्डिंग में मैंने शुरू के हिस्से में ऊपर लगा दिया ताकि आपका टाइम भी बच जाए और साथ साथ उसको मुलाहजा भी फरमा लें। और इसके अलावा यही वीडियो जो है वो मेरी आईडी मास्टर मोहम्मद फहीम के ऊपर पिन पोस्ट में भी ये जो वीडियो है ये पूरी पूरी लगी हुई है, 3 मिनट की वीडियो, तो उसको भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि 3D प्रोडक्ट एनिमेशन एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह से ये नज़र आती है, किस प्रकार से विजुअलाइज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊं, ये देखें फाइवर पे ना पैकेजेस होते हैं। ठीक है, आप देखें 84,000 हमारी बेसिक प्राइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड हम पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं 176 176,000 का। ठीक है, प्रीमियम जो है 3,18,000 का। अब ये आप सोचेंगे कि यार ये लिखने का क्या है, हो सकता है ये आते भी हैं या नहीं आते क्लाइंट्स, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। आगे से देखते हैं कि हमने अर्निंग्स और किस तरह से, अच्छा डॉलर्स में माइट बी पॉसिबल किसी को समझ ना आए तो मैंने ये PKR में अपने ऑर्डर्स की प्राइसेस सारी चीजें आपके सामने विजुअलाइज करा रहा हूँ। तो ये देखें 3,19,64,000 बनता है ऑलमोस्ट, जितनी अप टू डेट हमारी अर्निंग्स है। ठीक है, और इसमें से अगर इन 168 ऑर्डर्स की एवरेज निकाली जाए ना, जिनमें से कुछ 10 लाख के हैं, कुछ 2 लाख के हैं, कुछ माइट बी पॉसिबल 50,000 के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो उनकी एवरेज सेलिंग पॉइंट प्राइस जो बन रही है वो 2,45,000 बन रही है। ठीक है, कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है, यहाँ पे बहुत से एजिड बंदे भी होंगे, माइट बी पॉसिबल 40+ 50+ हों, और कुछ मैट्रिक
या उससे भी कम एज के स्टूडेंट्स होंगे। इस कोर्स को हमने बनाया इस तरह से है, कंपाइल इस तरह से किया है कि जो मैंने अपनी 3 से 4 साल की स्ट्रगल में जो कुछ सीखा है और मैं आज तक सीख रहा हूँ, तो उस सब को मैं एक आप कह लें निचोड़ के आपके सामने रखूं, ठीक है, और एक उंगली पकड़ के ए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपको लेके जाऊं, जो कि हमारा बेसिक लेवल है, उधर से आपको इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाऊं कि आप अपनी इस काबिल हो जाएं कि आप कोई ना कोई अर्निंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारी गिग होगी, आपको ऑर्डर्स की प्राइसेस वगैरह भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें हमारे 168 ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है, और ये प्राइसेस जहाँ पे मेंशन है आप देखते जाइएगा, 800, 950, 100, 70, 1000, 200, ठीक है, 595, 2500, 2500, 4200, 500, 733, 2600, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन सब की जब एवरेज निकलती है ना, इन सब ऑर्डर की 1800, तो वो निकलती है तकरीबन 2,45,000 पर ऑर्डर के हिसाब से, अगर हम उसको डिवाइड करें, एवरेज निकालें। ठीक है, कुछ मैंने नेट पिक करके ये ऑर्डर साइट पे किए हैं, जिसमें सिर्फ आप देखें $56 टिप मिली हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये लोड हो लें पेजेस, एक मिनट। और ये देखिएगा $50 मिली हुई है, ये सिर्फ टिप आपको दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर की ये 1200 प्राइस है, ठीक है, और क्लाइंट ने 1200 के साथ उसको काम इतना पसंद आया कि उसने सिर्फ $100 आप कह लें टिप छोड़ी हुई है, ठीक है, ये $100 टिप, ठीक है, और इसी तरह ही इसमें भी $100 टिप, और मेरे पास जहाँ पे भी सेव है, जो जिसका भी सर जिक्र कर रहे थे कि पास्ट मंथ का जो ऑर्डर है, मतलब कुछ मैंने 20 दिन पहले या 22 दिन पहले कुछ ये मेरा क्लियर हुआ है, इसमें भी मुझे 100 तकरीबन $2,000 का प्रोजेक्ट था, और उसमें से $100 जो है क्लाइंट सिर्फ टिप दे के गया हुआ है, ठीक है, $2,050 का। तो देखें क्या क्यों ना बंदा एक ऐसी फील्ड को चूज करे जिसके अंदर आप कह लें कंपटीशन भी कम है, अर्निंग बहुत ज्यादा है, और आप पूरे पाकिस्तान में उठा के देखें, आप मुझसे प्लीज शेयर करिएगा, सर फहीम से शेयर करिएगा कि कोई बंदा है जो इस फील्ड को करवा रहा है। 3D एनिमेशन हर चौराहे पे आपको नजर आएंगे, बंदे 3D एनिमेशन करा रहे हैं, मैं 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट की फील्ड है। हर एक बंदा घर में बैठा अपना एक कारोबार स्टार्ट कर रहा है, वो कारोबार को वो क्रूम करने के लिए वो बंदा कहता है कि यार मैं फेसबुक पे जाऊं, मैं कहीं पे भागूं, किसी तरह से बस एडवर्टाइज करूं, मेरे लिए एक प्रोडक्ट है, मैं इसको एडवर्टाइज करना चाहता हूं। तो ये चीज खाली फाइवर पे नहीं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान लोकल मार्केट में भी आपको इसका काम मिल सकता है, ठीक है। लोकल मार्केट में कितनी ही ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं जो रोज लॉन्च होती हैं, रोज वो चाहते हैं कि यार हम उस लेवल पे जाएं जिस लेवल पे दराज है, जिस लेवल पे दूसरी कंपनीज प्राइस वॉर डॉट पी के है, जो अपने प्रोडक्ट्स को विजुलाइज भी करते हैं, उनकी मार्केटिंग भी करते हैं और शो करवा रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट्स को ही एडवर्टाइज कर रहे हैं और हम भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। हमारा काम क्या है कि किसी भी क्लाइंट की प्रोडक्ट को विजुलाइज करना कि उनकी सेल्स जो है वो बूस्ट हो, ठीक है। तो आप देखें जितनी ब्रांड्स आपके सामने हो, जितनी चीजें आपके सामने हो, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे से इसको हम लेके चलते हैं, मैं आपको कुछ इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट में 3D प्रोडक्ट एनिमेशन का काम हो रहा है। ये वीडियो एंड एनिमेशन की कैटेगरी में जाते हैं, और 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। अब ये 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की मैंने कैटेगरी ओपन की है, और अब आप देखें फाइवर हमें बता रहा है कि हमारे पास 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की 4638 सर्विसेज हैं, मतलब के 4638 बंदे ऐसे हैं जो 3D प्रोडक्ट एनिमेशन की सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप एक ईंट उठाएं ना, सिर्फ एक ईंट उठाएं, तो ये इतने बंदे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर गली में से निकल रहे हैं आजकल, ठीक है। 4600 बंदा हर गली में से निकल रहा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट और ये सारी चीजें कर रहा है। तो आप सोचे मार्केट में जॉब्स हैं इतनी? उमर, जी जी सर,
आप इन्हें बच्चों को दूसरी कोई जनरल गिग भी दिखा दें, ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब जी डिजाइनिंग जी वगैरह भी दिखा दें कि मैं उनमें सर क्या वो दिखा कंपटीशन है उस जी चीज़ मैं का। दिखा रहा हूँ सर। अच्छा ये देखें, 4600 इधर हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट एनिमेशन में है। हम ग्राफिक एंड डिज़ाइन में जाके लोगो डिज़ाइन देखते हैं जो कि सबसे मतलब बेसिक है, मतलब जो हर एक 2,83,000 बंदा लोगो डिज़ाइन कर रहा है। और इनमें से मैं आपको पर्सनली बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये 28,000 बंदा होगा जो कि इसमें से ऑर्डर ले रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट कितने ये 2,83,000 बंदों को फाइवर भी अकोमोडेट नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी ज़्यादा मतलब सेचूरेटेड इन्वायरमेंट है इस फील्ड में कि वो नहीं कर सकता। और आप प्रोग्रामिंग में चले जाएं, हम फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स में चले जाते हैं, ये वेब एप्लीकेशन बहुत सी कैटेगरीज हैं। आप खुद से जाके देखें ये वर्डप्रेस, और ये 56,000 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन आप करके खुद ही देख लें, अंदाजा लगा लें कि 4,600 सिर्फ लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वीडियो एनिमेशन, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन में, ठीक है। और एक चीज ये है, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे हम जाते हैं लोगो डिजाइन में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, लोगो डिजाइन में जाते हैं। और इधर मैं आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखें 1,000 इसने ऑर्डर किया हुआ है इस बंदे ने, ठीक है। 8,000 रुपया ये बेसिक गिग का चार्ज कर रहा है, 1,000+ ऑर्डर किए हुए हैं, 10,000 चार्ज कर रहा है, 10,000, 15,000 चार्ज कर रहा है, 7,000, तकरीबन 7,500। तो आप ये एक रफली सा मैं आपको बता रहा हूं कि लोगो डिजाइन में इस तरह से लोग आप कह लें कि चार्ज कर रहे हैं। ये 3D प्रोडक्ट एनिमेशन में जाएं और मैं आपको दिखाता हूं कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं और उनको रियलिटी में ऑर्डर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। बेसिक 42,000, 91,000, ठीक है, 30,000, 88,000, 1,000 चार्ज कर रहे हैं, 2,00,000 चार्ज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिक अर्निंग प्राइस है एक कैटेगरी में। क्यों हम बार बार हाईएस्ट पेड कह रहे हैं कैटेगरी, क्योंकि आपके सामने है, आप खोल के फाइल पे खुद ब्राउज करें, डिफरेंट कैटेगरीज को देखें, उनमें आपको 10,000, 15,000, 20,000 वो चार्ज करते नजर आएंगे। इधर ये लोगों ने, इन्होंने काम किया हुआ है 39 ऑर्डर्स 30,000 रुपये में, 53,000 रुपये में, 1,00,000 रुपये में ये भाई ने 54 ऑर्डर किए हैं। तो 1,00,000 बेसिक प्राइस है, याद रखिएगा। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, ये वो अपने बेसिक पैकेज के चार्ज कर रहे हैं। तो इसी 1,00,000 को 54 पे आप कर लें तो ये 54,00,000 रुपये ये भाई ने कमाया हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये बेसिक प्राइस है, स्टैंडर्ड आप इनकी प्राइस देखिएगा, और ये आपके सामने स्टैंडर्ड है, और ये प्रीमियम है, 3,00,000 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें से कितने इन्होंने प्रीमियम किए हैं और कितने स्टैंडर्ड की है, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, चूज आपने करना है कि 40,000 की नौकरी करनी है या 40,000 का आपने घंटों में काम करना है, ठीक है। ये अब आपने खुद डिसाइड करना है, सब बंदों के पास शऊर है, ठीक है। सब बंदे अपना भला खुद सोच सकते हैं। आप देखें कि किधर आपको फायदा होता है, आप मेहनत करें, एक स्किल को चूज करें। मैंने पर्सनली, मैं आपको अपना स्टार्ट में, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था, मैं स्विच करके इस फील्ड में आया, मैंने 4 महीने इसके ऊपर लगाए, ठीक है। और वो 4 महीने आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जो निट पिक करके एक निचोड़ निकाल के ये कोर्स की आउटलाइन बनाई हुई है, इस तरह से बनाई हुई है कि एक वो बंदा जिसको लैपटॉप भी ऑन नहीं ना करना आता, और रियलिटी में बता रहा हूँ कि सर फहीम से लैपटॉप लेके पास बैच के स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम लाइफ में लैपटॉप लिया, और वो माशाल्लाह से एनिमेशंस बना रहा है, और वो फेसबुक हमारे पेजेस पे शो भी कर रहा होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक चीज जो कोई दूसरा आपको इतनी अच्छी असिस्टेंस नहीं देगा जितनी हम, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इतनी सरदर्दी लेके कोई भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। रोज 1 बजे से लेके दोपहर 7 बजे तक आपके कोऑर्डिनेटर और मैं पर्सनली आपके साथ मौजूद होंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दिया जाएगा सेटिस्फैक्टरी, जितनी दफा आपने सवाल पूछना है आप पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। ये सपोर्ट ही है हमारी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सेटिस्फाई होके जाते हैं, और आप उनके पास बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी देखें। और एक चीज, पास बैच के जो स्टूडेंट्स हैं
ये कोई भी चीज जब सीखी जाती है ना, तो उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है कि हम अपनी स्किल को निखारें। तो वो निखारेंगे तो ये जो यहाँ पे ये इतने मंझे हुए एनिमेटर्स बैठे हुए हैं, तो वो उनको कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो आपकी मेहनत ही डिटरमिन करेगी कि आपने कितना आगे जाना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिस्क कहीं ना कहीं से लिखा होता है, यहां से नहीं, फाइवर से नहीं। तो स्किल अगर आपने सीख ली है, अब ये भी तो सोचें, मार्केट मार्केट में एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज भरी पड़ी हैं, आप उधर अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तो बनाएं, ये स्किल सीख के उनको दिखाएं कि यार मैं एनिमेशन का काम जानता हूँ, आप मुझसे मुझे हायर कर लें। आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, और अच्छी जॉब मिल सकती है। मैं आपको बताऊं तो इसकी स्टार्टिंग जॉब, मैं आपको कंपनीज के नाम भी इंशाल्लाह बताऊंगा जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, मैं आपको कंपनीज के नाम भी बताऊंगा जहां पे 50-50 बच्चे सिर फेंक के काम कर रहे हैं और वो 1 लाख प्लस ही कमा रहे हैं, ठीक है। किस लिए? कि भाई उनको एनिमेशन आती है, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है। कि फील्ड हाईएस्ट पेड है, आप वो जॉब भी कर सकते हैं और फाइवर पे भी अर्न कर सकते हैं, दोनों चीजें आप कंसेक्यूटिवली कर सकते हैं। ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक स्पेसिफिकली जो हमने प्रोजेक्ट इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देख के क्लाइंट किस तरह से मांगता है काम, हमने ये एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम अपना एज अ फाइनल बनाएंगे आउटपुट के तौर पे, ठीक है, जिसके मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। हम इंशाल्लाह इस तरह से एक एक्सप्लोरेड व्यू एनिमेशन इसको कहते हैं, हम इसकी एनिमेशन बनाएंगे फाइनल, ताकि आपको जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। एक स्टार्टिंग जो हमारी बेसिक होगी वो तो अलग होगी, उसके साथ साथ एंड पे आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट फुल फ्लेज सिखाया जाएगा कि जिस तरह से क्लाइंट मार्केट में डिमांड करता है, और उसके बाद भी आपकी जो ऑर्डर्स होंगे उसमें आपकी हेल्प हेल्प आउट की जाएगी। ये मैंने इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि इसमें वो चीजें कवर अप हो रही हैं जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डिमांड करते हैं, ठीक है। उनकी मैंने रिक्वायरमेंट्स को जेन में रखते हुए इस एनिमेशन को बनाया था, ठीक है। तो अब आगे से मैं सर फहीम को देता हूँ। सर फहीम, अच्छा, मैं अभी मुझे उम्र बताइएगा, टाइम कितना रहता है इस मीटिंग का ऊपर? ऑलमोस्ट सर हमारे पास 7 मिनट है। अच्छा चले, मैं ये चाह रहा था कि हम इन्हें लाइव थोड़ा सा वो डेमो दिखा देते हैं, कोई प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं क्या? हमारे पास है टाइम इतना, मैं सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा, अगर हो सर सकता है तो आप ये थोड़ा कोई सा प्रैक्टिकल मैं कोई चीज दिखा स्टूडेंट्स दें। को ये गाइड कर देता हूँ। जो हमने लास्ट टाइम जी बनाया था, ये स्टूडेंट्स खुद घर बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही, आपके चैनल पे ही वो लगा हुआ है। मैं इनको गाइड कर देता हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जी जी आपको श्योर गाइड श्योर कर। जी, चलिए, ये ऑनलाइन वालों को आप यहाँ पर बता दें, बाकी जो रिकॉर्डिंग इसकी रेडी होगी उसको एडिटिंग के दौरान मैं यहाँ पर वो हिस्सा क्लिप जो है वो डाल दूंगा जो हमारा लास्ट डेमो क्लास का है। कि कितना का काम करना पड़ता है तो हम क्या चीज अचीव कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि यार कितना का काम करना पड़ेगा, कितने क्लिक करने पड़ेंगे तो हम एक अच्छी चीज बना सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये एक ना प्रोडक्ट डाउनलोड करके रखी हुई है, और एक पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा चीजें किस तरह से हमने डाउनलोड करनी है, और किस तरह से एसेट्स और प्रॉप्स हम डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक 3D फाइल है जो हमें एक क्लाइंट ने दी है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट ने हमें ये एक फाइल दी है और मैं अब उसको करने लगा हूँ एनिमेट, और मैं आपको बताने लगा हूँ किस तरह से हम क्लाइंट की फाइल को एनिमेट करते हैं और एक अच्छी सी, आप कह लें, अट्रैक्टिव सीन बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से हम जो है कितने काम के साथ हम क्या चीज कितनी अच्छी या कितनी नॉर्मल या किस तरह की चीज अचीव कर सकते हैं एनिमेशन के वाले से, ठीक है। आपके सामने मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये एक वर्क फ्लो होगा, आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। आप ये समझें कि मुझे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, सर को प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और वो एक प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, उनको कितना टाइम लगता है, इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सीन रेडी करने लगा हूँ मैं, इसमें हम लाइट ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसमें इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है। आई थिंक सो ये ठीक है, ठीक रहेगा। लाइट को थोड़ा सा डिम करते हैं,
आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं मकसद सिर्फ ये है कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ, एक आपको एक छोटा सा डेमो और आपको हिंट दी जाए कि किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट एनिमेशन के बाद। मैं अब इसको एनिमेट करने लगा हूँ कि एक छोटा सा सीन बनाएंगे, कह लें कि एक 2-3 सेकंड का, 4 सेकंड का सीन एनिमेशन का बनाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम जो है कितनी मेहनत के साथ कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सिर्फ एक वर्क फ्लो है, जैसे आपको उमर ने बताया कि इसमें परेशानी होना कि पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ एक वर्क फ्लो आपको दिखाया जा रहा है, ये सिखाया नहीं जा रहा अभी प्रॉपर आपको ना। जब सिखाया जाएगा तो आपको बिल्कुल अलिफ से स्टार्ट लिया जाएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेके आपको काम सिखाया बताया जा रहा होगा आपको बिल्कुल। अगर आप आपको लैपटॉप आपने कभी ऊपर और अगर आपने कभी ओपन नहीं किया तो भी आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अभी इसका काम का जो है सिर्फ मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि कितना टाइम लगता है, कितना काम करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों के बाद हम जो है वो कोई एक सीन तैयार करते हैं। और जब सिखाया जा रहा होगा उस वक्त क्लास भी 1-to-1 होगी, एक एक चीज़ बारी बारी आपको सिखाई जाएगी, एक एक टूल सिखाया जाएगा। उसके अलावा फिर आपके वर्क फ्लोज अलग से होंगे, उसके अलावा आपका कोऑर्डिनेटर अलग से अवेलेबल होंगे जो आपको एक एक चीज़, आपकी एक एक क्यूरी, आपके सवाल के जवाब दे रहे होंगे, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको बार बार समझा रहे होंगे। वो प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा। अच्छा, कैमरा में देखते हैं कि हमें किस तरह से ये नजर आएगा। इसको रोटेट कर लेते हैं 359 डिग्रीज पे। अच्छा, ये थोड़ा सा बोर लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से स्लो मोशन में आए, और ये एक्चुअली ना रेंडरिंग होती है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये ब्लेंडर में काम हो रहा है, ठीक है। और ये आप देखें कि ऑलमोस्ट ये एक छोटा सा सीन हमने तैयार किया है कॉस्मेटिक सी एनिमेशन का। ये आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, एक्चुअली इसके बाद इसकी वीडियो निकाली जाती है, उसको रेंडरिंग कहा जाता है, और फिर वीडियो रेंडर होने में कुछ 3 से 4 घंटे लगते हैं, मे बी 2 घंटे, डिपेंड करता है सीन पे, ठीक है। ये एक छोटा सा हमने सीन बनाया, इसको मजीद इन्हांस करने पे आए मजीद कर सकते हैं। चले कुछ इसके अंदर मजीद एक आध एलिमेंट डालते हैं ताकि जरा ये अच्छा लगे, ठीक है। आप देखें कि मैंने कितनी देर काम किया होगा, ऑलमोस्ट आई थिंक सो मैक्सिमम 6 मिनट 5 मिनट, इतनी देर में ये काम हुआ है इसमें, ठीक है। मैं अब कुछ ना पार्टिकल्स इसमें ऐड करने लगा हूँ। रेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी ये किस तरह का लग रहा है। अच्छा, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं ये पार्टिकल, तभी आपको रेंडर में दिखाऊंगा ये किस तरह से लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको ना कुछ थोड़ा सा हम कलर देते हैं, ताकि ना मैं चाह रहा हूँ कुछ इसको ना पेटल्स टाइप कुछ कलर हम दे देना, ये अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इन दोनों को भी सेम कलर दे देते हैं, और अब अपने सीन में चेक करते हैं किस बहारें आ गई हैं, ठीक है। बहारों के मौसम में हमने अच्छी सी एक एनिमेशन कर लिया है। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट एक छोटा सा सीन हमने बनाया है, ठीक है। अब कह ले
3 सेकंड का मुश्किल से ये सीन होगा, ठीक है। लेकिन देखें एफर्ट कितनी लगी है, टाइम कितना लगा है। मकसद ये था आपको बताने का कि कितने टाइम में हम जो है इतना कितना काम कर सकते हैं। जो और ये सिर्फ ना मकसद ये था, ये एक वर्क फ्लो था कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं किस तरह से इसको आगे से लेके चलूंगा, क्लाइंट को किस तरह से इम्प्रेस करूंगा, क्या कितना का काम मुझे करना पड़ेगा। तो ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि कितना काम करना पड़ सकता है आपको। मैक्सिमम इतना काम जो है इसका आपको मैं अगर पर्सनली बताऊं तो 10 सेकंड का बेसिक जो पैकेज होता है उसके लोग 90-90 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई क्लाइंट आ जाता है जो कहता है कि जी बस मुझे इस तरह का कोई एक सीन दे दो छोटा सा, तो आप उससे हंस के 20-25 हज़ार ले सकते हैं इस काम से, ठीक है। मकसद ये है आपको बताना ये कि कितनी एफर्ट से हम क्या काम कर। लेकिन अगर आप ज्यादा एफर्ट करते हैं तो आप इस तरह का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें उमर ने हमारे साथ बहुत अच्छे से कर दिया डिस्कस। थैंक यू वेरी मच उमर। अच्छा जी जो वेलकम मैं सर। आगे से कुछ चंद चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा सबसे पहली चीज तो ये कि ये चीज मेहनत तलब है। इतनी सीधी आसान चीज नहीं होने वाली कि आप कहें कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप अपनी फीस जाया ना करें। हमें जबरदस्ती आपको ये नहीं है कि हर बंदे को कहें कि आ जाए एनरोल हो जाए। आप में से जो बंदा समझता है कि वो अगले 6 महीने 8 महीने 6 से 8 महीने का टाइम अपने अपने जहन में रखना है, अगले 6 से 8 महीने वो डट के मेहनत कर सकता है तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं स्किल के साथ। ये तो 100% कंफर्म है, ठीक है। लेकिन 6 से 8 महीने का मैंने आपको क्यों बताया वो भी बता दूं कि स्किल कोर्स तो सिर्फ 2 महीने का है, लेकिन 2 महीने जो कोर्स होता है उसको कहा जाता है फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। उसके बाद आपका कम से कम 2 महीने आपने उसको देने होते हैं किस चीज के लिए, उसको मार्केट लेवल पे स्केल करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि मार्केट में जो चीजें डिमांड की जा रही है, जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस कर लें। आप कोई भी आप चीज सीखते हैं ना उसको आपने प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आपको जब कोई क्लाइंट का ऑर्डर आए तो उस वक्त आप प्रैक्टिस करने ना बैठ जाएं, आप उसको ऑर्डर बनाकर दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो 2 महीने का टाइम एवरेज में, महीना डेढ़ 2 महीने का टाइम आप एवरेज में 6 महीने के देने में रखें, आपने पोर्टफोलियो बनाना होता है। क्योंकि फाइवर पे जाएं या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां पर आपने जाके पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। अब हमारे फर्स्ट बैच के कई स्टूडेंट्स हैं जिनका पोर्टफोलियो काफी हद तक तैयार हो चुका है, वो अब उनकी गिग्स भी उनकी बन चुकी है, फर्स्ट पेज पे तकरीबन आना शुरू हो चुके हैं वो, ठीक है। उनको क्योंकि 3 4 महीने उनको हो चुके हैं, 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं फर्स्ट बैच को, तो उनकी अब गिग जो है वो उन्होंने बना लिए, उनके ऊपर उन्होंने पोर्टफोलियो अपना अपडेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी 5 5 वीडियोज होंगी पोर्टफोलियो की, उनके प्रॉपर क्लाइंट्स उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैं 2 महीने का कोर्स करूं और कोर्स करते ही पाँव बाहर रखूं क्लास में से और मेरे सामने डॉलरों की ढेर लग जाए। तो गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आना, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि आपकी फीस भी इंपॉर्टेंट है, आपकी माइंड की क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। गलत एक्सपेक्टेशन लेके बिल्कुल नहीं आना, मेहनत करनी है। कम से कम 6 महीने आपने जेन में रखने हैं। 2 महीने का कोर्स होगा, प्रैक्टिकल कोर्स जिसको कहा जाता है, जिसमें मुसलसल क्लासेस क्लासेस होंगी, आपको गाइड किया जाएगा, एक एक चीज बता रही होगी। लेकिन ये प्रोडक्ट एनिमेशन है, अगर ये इतनी आसान होती तो हर बंदा कर लेता है। फिर इसमें 4,000 गिग्स नहीं होती, फिर इसमें यहाँ पर 40,000 या 4 लाख गिग्स होती। इतनी हाई पेड स्किल है, इतनी हाई पेड स्किल है, इसके लिए लाखों रुपए लोग देते हैं। तो फिर इतने कम लोग इसमें क्यों है? क्योंकि मेहनती लोग कम होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट लोग कम होते हैं। तो आपने वो मेहनती और वो कंसिस्टेंट लोगों में उनमें शुमार होना है आपका, कि आपने 2 महीने में इसको सीखें, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें, इसका लेवल अप करें, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बैच के हैं उनकी मैंने वीडियो लगाई हुई है अपने उसके उसके ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर, जिन्होंने फर्स्ट बैच के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस की है अपने। इवन को उनकी फाइनल असाइनमेंट्स ऐसी थी कि हम देख के हैरान रह गए कि यार ये 2 महीने बाद इनका रिजल्ट है। लोग साल साल डेढ़ डेढ़ साल लगा देते हैं ब्लेंडर को पूरी चीज सीखने में। आपको बताने का मकसद यह है कि अपने माइंड में ये रखना है आपने, आपको ताकि क्लियर हो कि हमने जब कोर्स ज्वाइन करना है तो हमने 2 2 महीने का कोर्स है, उसके बाद भी हमने 2 से 4 महीने जो है इसको देने हैं अपने आप को उस लेवल अप करने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ताकि हम ऑर्डर लेना शुरू करें, ठीक है। इसके हवाले से आपने जो रब्ता करना है, मुजाहिदा मलिक से आप रब्ता कर लीजिएगा, मेरी वाल के ऊपर उनका नंबर मौजूद है, और स्किल डिपार्टमेंट की हेड है वो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, दोनों के नंबर मेरी वाल के ऊपर मौजूद हैं। और फीस जो अभी चल रही है, मेरे ख्याल में अभी मुजाहिदा ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, टोटल 18,000 फीस चल रही है दोनों महीनों की, यानी कि कोई 1 महीने की शायद कुल 9,000 के राउंड अबाउट फीस बन रही है अभी इन दिनों, ठीक है। क्लासेस जो है वो आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द अपनी सीट रिजर्व करा के जो जो भी ज्वाइन करना चाहें उसको वो कर लीजिएगा। और इसमें यह है कि इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन हम रख देंगे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, अगर कुछ लोग इसमें आ जाते हैं, डिजर्विंग पर्सन आ जाता है। और इसमें यह चीज़ है कि हाँ ठीक है, ये फीस और ये सारी चीज़ें करवा के आप इसको कर लीजिएगा। हम इस क्लास को एंड करते हैं, बल्कि 1 मिनट, सुबह 14 अगस्त है, चलें आज़ादी दिल इसके ऊपर भी दे देते हैं 1 मिनट। इस कोर्स में जो लोग अभी लाइव हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये फीस 40% डिस्काउंट के साथ हम उनकी कर देंगे, 12,000 फीस के साथ वो एनरोल हो सकते हैं टोटल,
इनके 6,000 पर मंथ के हिसाब से। अभी बाई चांस मेरे दिन में आया कि सुबह है आजादी डील, तो सब हमने लैपटॉप पे दिए तो कोर्स पे भी दे रहे हैं। जो लोग कल के दिन में एनरोल होंगे वो 40% डिस्काउंट के साथ हो जाएंगे। मेरे ये कमिटमेंट बता दीजिए, अगर मुजाहिदा सुन रही है तो नोट कर लें, कल जो जितने लोग भी इनरोल होंगे उनको 40% डिस्काउंट के साथ इनरोल कर लें। वैसे फीस अभी 18,000 चल रही है, लेकिन कल जितने भी लोग इनरोल होंगे, 14 अगस्त का दिन है कल, तो उनको 40% के साथ इनरोल कर लीजिए। ये भी एक आजादी डील के तौर पर हमने आपको दे दिया है। जबरदस्त हो गया तो सर, ये, हाँ जी, ये हमारी आज की क्लास है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह क्लासेस में। अल्लाह जी हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।